और ऋण आ रहा है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपके चैनल सीआर के व्लॉग्स में। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे आगे नई वीडियो के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक कर दो और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप कहाँ से वीडियोज देख रहे हो। अभी आ गए हैं आज मंकी आइलैंड पे, तो चलो शुरू करते हैं। अपने भाई लोग कई पूछ रहे थे अपने शिप का वीडियो बनाओ, शिप के वीडियो बनाओ, तो मैं थोड़े थोड़े हिस्सों में शिप का पूरा वीडियोस बनाऊंगा एक एक पार्ट में। सो पहला आज हम आ गए हैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे शिप के, जो कि है जिसका नाम है मंकी आइलैंड। इसको बताता हूँ क्यों बोलते हैं मंकी आइलैंड। पहले आप व्यू देख लो आजू बाजू का, उसके बाद फिर बाकी बातें करते हैं। ये शिप का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंची जगह पे अभी है हम शिप के। इसको बोलते हैं मंकी आइलैंड। क्यों बोलते हैं और क्या क्या पर्पस होता है इसका, पूरी जानकारी देता हूँ इसके बारे में। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलो शुरू करते हैं, बताते हैं। सबसे पहली बात, इसको मंकी आइलैंड क्यों बोला जाता है ये जानने से पहले एक क्लिप देखो। ये देखो कि इस क्लिप से आपको क्या समझ में आया कि बंदरों की तरह क्लाइंब करके जाना पड़ता है। जो पुराने वेसल्स रहते थे उनमें मास्ट वगैरह वहाँ पे ऊपर चढ़ के क्लाइंब करके जाना पड़ता था, उसको मंकी आइलैंड बोलते थे, क्योंकि बोलते हैं भाई बंदरों की तरह ऊपर चढ़ चढ़ के जाना पड़ता है, चढ़ के जाना होता है इसलिए। बट ये जो टर्म है मंकी आइलैंड, ये आज जो आज के मर्चेंट शिप्स हैं उनमें भी होती है। दूसरी थ्योरी इसके नाम के पीछे ये है कि यहाँ पे जो है वो शिप साइड में कैनन बॉल जो हैं ग्लास फ्रेम में स्टोर्ड की जाती है, होती थी फ्रेम्स होते थे उनको मंकी बोलते थे। सो धीरे धीरे इसका नाम फिर मंकी आइलैंड पड़ गया टाइप्स। ये भी थ्योरी जो है ये फिक्स थ्योरी नहीं है, कोई इसका प्रमाण नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि इसमें बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं जो कैनन बॉल्स है वो रख नहीं सकते हैं, ये है वो है, एक्यूरेट आंसर नहीं है इस चीज़ का। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शिप का, लेकिन ये जो हिस्सा है इसको मंकी आइलैंड बोलते हैं जहाँ पे भी है, और ये बहुत ही ज़रूरी अभिन्न अंग है जहाज का। तो इसके यूजेज बताता हूँ आगे आगे क्या होते हैं। पुराने टाइम के जो सेलिंग वेसल थे उनमें और आज के जो मर्चेंट शिप्स हैं उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पे सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन वगैरह आप आराम से कर सकते हो, ओपन स्पेस है, हाईएस्ट पॉइंट है, स्टार्स वगैरह से आप नेविगेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको भी दिखाता हूँ एक चीज़, फॉर एग्जांपल ये आपको सब जगह पे ये दिखेंगे ऑल अराउंड, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे एंटीनास होते हैं शिप के जो मंकी आइलैंड पे लगाए जाते हैं। जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला कि हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट में रेंज अच्छी मिलती है, ठीक है, कम्युनिकेट अच्छा होता है, रेंज अच्छी मिलती है। जैसे आपके मोबाइल की रेंज अच्छी मिले तो क्या होगा, हेलो 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 बात अच्छी होती है, कम्युनिकेट अच्छा हो सकता है सेलिंग है। ऐसे ही हाईएस्ट पॉइंट, जितने हाईएस्ट पॉइंट पर रहेंगे उतने ही कम्युनिकेशन नेविगेशन में आसानी होती है। अभी आपको बताता हूँ कौन कौन से इक्विपमेंट्स के एंटीनास जो हैं वो यहाँ पे लगे होते हैं। एक VDR कैप्सूल, दूसरा ट्रांसफ़र एंड रिसीवर एंटीना होता है, रेडार स्कैनर्स जो कि ये मेरे आप पीछे देख सकते हैं एक, और दूसरा रहा ये रेडार स्कैनर्स, सेट सी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट गियर यार्ड्स जहाँ पे हम फ्लैग्स वगैरह होस्ट करते हैं वो, मास्ट लीडिंग अप टू क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री, जी हाँ क्रिसमस ट्री भी होता है। क्रिसमस ट्री दिखा दूँ बाकी एंटीना से पहले, ये रहा क्रिसमस ट्री, बेसिकली जहाँ पे नेविगेशन, बेसिकली जहाँ पे नेविगेशन लाइट्स रहती हैं ये नेविगेशन लाइट्स ट्री बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको एंटीनास के बारे में बता दिया यहाँ पे क्या क्या होता है। एक इन सब के अलावा मैग्नेटिक कंपस भी होती है जो कि मंकी आइलैंड पे ही मिलेगी आपको। ये हमारा VHF एंटीना है,
ये जीपीएस एंटीना हाइट देख रहे हो, बाप रे, ये ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 मीटर का एंटीना है, ठीक है। दिस अगेन AES GPS VHF सेट वगैरह 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 के एंटीनास, ये मैग्नेटिक कंपास जो अभी आपको बताई थोड़ी देर पहले, और ये है सर्च लाइट, रडार स्कैनर्स 1 2, ये NUC लाइट्स, थर्ड लाइट चल जाएगी तो रैम वेसल रैम लाइट हो जाएंगी, नेविगेशन स्टारबोर्ड साइड लाइट। अभी आपको लेके चलता हूँ इसके हाईएस्ट पॉइंट पे और सबसे पीछे वाले पॉइंट पे। ये जो मेरे पीछे हैं ये फनल्स हैं, फनल्स कपर्स हैं, फनल्स देख रहे हो हाथी की, ये जो है ये फिफी है फायर फाइटिंग के लिए, और ये फनल्स हैं वो फ्लैग होस्ट है, क्रिसमस ट्री राइट, ये हमारी सर्विस बोट हमारी कंपनी की है। ये पीछे आफ्ट स्टेशन, ये सैटेलाइट इंटरनेट का डोम है, वो भी इंटरनेट के लिए, सैटेलाइट इंटरनेट के लिए ही डोम है। ये थोड़ा सा अरेंज करने वाला है, सामान पूरा शिफ्टिंग हो रही है यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, तो थोड़ा सा खिलारा डाला हुआ है। अभी आपको वहाँ तक तो लेके जाऊँगा उस हाइट पे। अभी आए तो थे हम उस वहाँ से, जाएंगे यहाँ से। ये ऑल फनल, यहाँ पे फनल है, एसी रूम है, यहाँ से नीचे चले जाएंगे ब्रिज, रेडियो रूम, चार्ट रूम में आप पहुँच जाएंगे। अभी आपको एसी रूम दिखाता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे एसी का कंप्रेसर वगैरह लगे हैं, जहाँ से कंट्रोल होता है, पूरा सेंट्रलाइज एसी है, उसका प्लांट भी यहीं पे है, आपको दिखाता हूँ और ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो, यहाँ से है बाहर से है। ये हमारा फसल का एरिया है, इसके बारे में भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। फॉक्सल एरिया है जहाँ पे जिम बनाई हुई है हमने, शिप की देख रहे हो भाई साहब हमारे लगे हुए हैं, बॉक्सिंग पंच बैग। ये MOB लाइफ बॉयज हैं, इसमें क्या है, आप क्विक रिलीज लाइफ बॉयज रहते हैं, इसमें आपको अंदर ब्रिज से ही एक पुली है, उसको पुल आउट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एक बार बस वो आप अंदर एक क्लिप है, उसको पुल करना है और ये लाइफ बॉय जो है सीधा पानी का सीधा रास्ता ना अपना के, एक स्टेप इधर, दूसरा, तीसरा, चौथे पे ऊपर। पॉट्स हैं 1 2, जहाँ पे नहीं जा रहे हैं यहाँ तक मैं और जा सकता हूँ, उसके ऊपर जाना और सेफ नहीं है। देखिए कम से कम 20 से 25 मीटर पानी है नीचे। सर्च लाइट, हैलोजन लाइट, और ये अपने शिप बॉक्स, और ये वही नेविगेशन इमरजेंसी लाइट्स, रेड ऑल राउंड, रेड ऑल राउंड, वाइट ऑल राउंड, दोनों रेड चल जाएंगी तो उसका होगा नॉट अंडर कमांड, इसका मतलब वेसल कमांड में नहीं है। रेड वाइट रेड होगी, इसका मतलब होगा रेस्ट्रिक्टेड एबिलिटी टू मैनोवर, मतलब हम अपना पाथ जो है, रास्ता जो है वो बदल नहीं सकते हैं। हम जो आप हमारे वेसल को क्लियर रखिए, तो जो बाकी जितने भी वेसल्स हैं वो ये लाइट्स वगैरह देखेंगे तो उस वेसल को क्लियर करेंगे, क्लियर रखेंगे। चलो एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, क्या दिक्कत है। को बता के आना रहता है कि हम मंकी आइलैंड पे जा रहे हैं, ताकि कोई पीछे से गलती से भी इसको ऑन ना कर दे। चार इंजन का फनल है, 1 2 3 4,
तीन जनरेटर्स 1 2 3 उसके फनल्स नाइस आफ्ट सेशन ये डोम्स आपको दिखा दिए सैटेलाइट के उसके जस्ट पीछे हेलीडेक आएंगे बट अभी नहीं नेक्स्ट वीडियोस में इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मक्की आइलैंड का ऊपर वाला है आर्टिस्ट है एक नंबर का मतलब हर रोज़ कोई ना कोई कलाकारी करता रहता है और ऐसी कलाकारी करता है कि एक नंबर व्यू आता है गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप कहां से वीडियोस देख रहे हो और आपको अगली वीडियो का बताता हूं वीडियोस जो आने वाली हैं वो है एक ब्रिज दूसरा अकोमोडेशन तीसरा फॉक्सल चौथा हेलीडेक एंड आफ्ट पाँचवा गैली छःवा इंजन ये 6 वीडियोस आने वाली हैं आप इनमें से कौन सी वीडियोस पहले देखना चाहते हैं वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ठीक है और एक लॉन्ड्री की भी स्पेशल वीडियो आने वाली है ठीक है 7 वीडियोस टोटल आएंगी नीचे कमेंट से हाथ गंदे हो गए वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कर दो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना बेल आइकन से क्या होगा आपको मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहेंगे सो चलते हैं आज के लिए बस इतना ही जस्ट बी सेफ ड्राइव सेफ राइड सेफ वेयर ऑल दी सेफ्टी गियर्स सी यू टाटा बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत